हेलो हाय कसक आए, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इतिहास एक ऐसी दुनिया है जो अनगिनत राज छुपाए हुए है। अच्छी बुरी घटनाओं को एक ही नजरिए से देखने वाला ये वक्त बहुत बार मासूमों के खून से रंगा पाया जाता है। कुछ दिन पहले मैं द कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी देख रहा था और इंसान की हैवानियत के जो किस्से आज तक मैंने पढ़े थे वो सब मेरे सर में वापस घूमने लगे। फिर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, नाजियों द्वारा किया गया द हॉलोकॉस्ट हो, साउथ अफ्रीका का द शार्पविले मैसेकर हो, इराक का दुजेल हत्याकांड हो या फिर कश्मीरी पंडितों की निर्ममता से की गई हत्या हो, इंसान ने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हर बार अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी है। और ये बात इतिहास में बहुत बार दर्ज हो चुकी है। आज से हर मंगलवार मैं आपके सामने लेके आऊंगा खून से सने हुए इतिहास की वो कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए चलते हैं सीधे मध्ययुगीन भारत में, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार हेतु भारत में अपना पांव जमा रही थी। साल है 1756। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष होने की आशंका थी और इसीलिए दोनों भी कंपनियां अपने अपने किलों की किलेबंदी कर रहे थे। कोलकाता में स्थित ब्रिटिशों के फोर्ट विलियम के भी किलेबंदी का काम काफी जोर शोर से शुरू था। उधर बंगाल में मुगल सत्ता के क्षीण होने के कारण नवाब सिराज उद्दौला बंगाल पे अपनी हुकूमत बनाए हुए था। किंतु नवाब सिराज उद्दौला इस बात से काफ़ी नाराज थे कि ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनीज भारत में व्यापार करने के लिए आई है पर वो अपने किलों का निर्माण कर रही है और साथ ही साथ बंगाल के राजनीति में भी काफ़ी दखल अंदाजी कर रही है। इसीलिए नवाब ने किलेबंदी का काम रोकने का आदेश दिया। फ्रेंच कंपनी ने तो इस बात को मान लिया, किंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के इस आदेश को कूड़े की टोकरी दिखा दी। ब्रिटिशों के इस हरकत के बाद नवाब तिलमिला गया और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ कोलकाता पे हमला कर दिया। उसकी फौज में हाथी थे, घोड़े थे, 50 से ज़्यादा तोपें थी और इन सभी का इस्तेमाल करके उसने 16 जून 1756 को कोलकाता पर हमला कर दिया। ब्रिटिश फोर्स ने भाप लिया कि उनकी हार तय है और इसीलिए उनके गवर्नर जॉन ड्रेक अपने मुख्य अधिकारी, अपनी पत्नी और महिलाओं के साथ हुगली नदी के द्वारा वहां से भाग खड़े हो गए और उन्होंने फोर्ट विलियम का जिम्मा कंपनी के एक छोटे अधिकारी जॉन हॉलवेल को दिया और उनके साथ करीब 150 ब्रिटिश सैनिक भी थे। 20 जून 1756 में नवाब के सैनिकों ने फोर्ट विलियम्स की दीवारें गिरा दी और किले पे अपना कब्जा पा लिया। फोर्ट विलियम के अधिकारी जे हॉलवेल अपनी किताब इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेटेड टू प्रोविंस ऑफ बंगाल में ये बात लिखते हैं कि विजय के बाद नवाब ने ब्रिटिशों के प्रति अपनी नाराजगी स्पष्ट शब्दों में बयां की, पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि किसी भी युद्ध कैदी के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी नहीं की जाएगी। दरबार खत्म होने के बाद नवाब के सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ लूटपाट शुरू कर दी जो शाम होते होते ज्यादती में बदल गई और इसी बीच एक ब्रिटिश सैनिक में दारू के नशे में धुत होकर नवाब के एक सैनिक को गोली से उड़ा दिया। बस होना क्या था, ये खबर जब नवाब को पता चली, नवाब ने अपने सलाहकारों के साथ सलाह मशवरा किया और उसमें ये बात कही गई कि इतने सारे युद्ध कैदियों को पूरी रात इस तरह खुले में छोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। तो नवाब ने पूछताछ की कि उस वक्त फोर्ट विलियम में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ब्रिटिश कैदियों को रखा जाता था। तब उन्हें पता चला कि एक काल कोठरी में इन सब ब्रिटिश कैदियों को रखा जाता था। उसके बाद फोर्ट विलियम में जो काल कोठरी थी उसमें इन सभी 146 युद्ध कैदियों को रखा गया। फोर्ट विलियम की ये जो काल कोठरी थी वो 14x18 फीट की काफ़ी संकरी काल कोठरी थी जिसमें दो काफ़ी छोटी खिड़कियाँ थी। इन सभी 146 युद्ध कैदियों को उस काल कोठरी में ठूस ठूस के भरा गया। बता दूं कि ये जो काल कोठरी थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 कैदियों को ही अच्छे से रखा जा सकता था,
पर वहां पे आज थे 146 कैदी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गर्मी और उमस के कारण कैदी बेहाल होते जा रहे थे। शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक वो सब कैदी उसी काल कोठरी में बंद थे। अपनी किताब में जे हॉलवेल आगे लिखते हैं कि गर्मी, उमस और शरीर में पानी के कमी के कारण रात के 9 बजे तकरीबन सभी कैदियों को प्यास लगने लगी। एक पहरेदार ने उन सभी के लिए पानी की व्यवस्था की, पर उस 2 घूंट पानी के पीने के लिए कैदियों में मानो होड़ लग गई थी। जिस खिड़की पे पानी बढ़ रहा था वहां तक जाने के लिए दूसरे खिड़की पे खड़े सभी कैदी इस तरह से भागे कि रास्ते में आए हुए सभी कैदियों को उन्होंने कुचल दिया। कैदियों का हाल बद से बदतर होते जा रहा था। इस भयानक वारदात को देख के वहां पहरे पे खड़े सैनिकों की रूह कांप गई, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि सोए हुए नवाब को जाके उठाए और उसे इस बात की खबर दे। रात के 11 बजते बजते सब सैनिक अधमरे से हो चुके थे। गर्मी और उमस ने मानो उनके अंदर की जान ही निकाल दी थी। सारे कैदी एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और मानो अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। जैसे तैसे सुबह हुई और जैसे ही नवाब उठा, नवाब को ये खबर मिली। नवाब ने सभी कैदियों को उस काल कोठरी से बाहर निकालने का आदेश दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। उन 146 कैदियों में से सिर्फ 23 कैदी काफी गंभीर अवस्था में वहां से जिंदा बाहर आए। मॉडर्न इतिहासकार जदुनाथ सरकार, एससी हिल, विलियम डायरिम्बल, इनकी माने तो उस दिन उस काल कोठरी में 64 कैदी थे। 146 कैदियों का जो आंकड़ा था वो बड़ा चढ़ाकर बोला गया था, पर फिर भी इन 64 कैदियों में से सिर्फ 20 कैदी ही बाहर आ गए थे और बाकी सब उस रात वहीं मर गए थे। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आधे से ज्यादा सैनिक उस दिन युद्ध में मारे गए थे, ना कि उस काल कोठरी में मरे थे। पर हत्या आखिर हत्या होती है। इतिहासकार विंसन स्मिथ की माने तो वो कहते हैं कि उस दिन नवाब ने अपने मुंह से ये आदेश नहीं दिया था कि उन सब कैदियों को उस काल कोठरी में रखा जाए, किंतु काल कोठरी में रखने का ये जो आदेश था वो नवाब के लोगों ने दिया था। पर फिर भी नवाब इसीलिए दोषी माने जाते हैं कि इस घटना के बाद ना तो उन्होंने कोई खेद व्यक्त किया और ना ही अपने सैनिकों को कोई दोष दिया। इस घटना से ब्रिटिशों के आत्मसम्मान को काफी गहरी ठेस पहुंची और इस घटना को राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाकर 1 साल के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई लड़ी और इसमें उन्होंने छल कपट से सिराज उद्दौला को हरा कर कोलकाता वापस जीत लिया। और इस युद्ध के बाद नवाब सिराज उद्दौला की भी हत्या की गई और यही वो लड़ाई है जहां से भारत में ब्रिटिशों की सत्ता शुरू हुई, जिसने आगे चलकर भारत पे 200 साल तक राज किया। आज भी ब्रिटिश स्कूलों में उनके छात्रों को इतिहास में ये चीज पढ़ाई जाती है कि किस तरह भारतीयों ने काफी नृशंसता से ब्रिटिशों की काल कोठरी में हत्या कर दी, जिसे कहते हैं कोलकाता की ब्लैक होल ट्रेजेडी। जे हॉवेल ने कोलकाता वापस ब्रिटिश रूल के नीचे आने के बाद वहां पे इन कैदियों के लिए एक स्मारक बनाया जो आज भी कोलकाता में आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये अनसुनी कहानी बहुत से लोगों तक पहुंच पाए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ रोशन विचारे साइनिंग ऑफ।